हेलो गाइज़, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम रिवर्स ऑफ इंडिया, जितनी भी नदियाँ हैं इंडिया की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनसे जुड़े हुए 30 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आरआरबी के प्रीवियस ईयर के पेपर्स में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को लेके आए हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पर मैप में जो है वो शो भी की हुई है कि जो नदियाँ हैं इंडिया की, जो कि इंडिया के मैप पे कहाँ पर है कहाँ नहीं है, वो हमने मैप पर शो कर दिया। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इन सबको याद भी कर सकते हैं कि कौन सी नदियाँ कहाँ से किस क्षेत्र से होकर इंडिया के गुजरती हैं। खैर, हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया, 30 क्वेश्चन जो है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज ओलियस्ट रिवर, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो गंगा। गंगा वो नदी है जो कि भारत की पवित्र नदी में आती है। अगला प्रश्न, व्हाट इज नोन एज द गंगा इन बांग्लादेश, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा है वो नाम जिससे गंगा को बांग्लादेश में जाना जाता है। अगला प्रश्न, द कंबाइंड स्ट्रीम गंगा एंड ब्रह्मपुत्र विच इज नोन, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा है वो किस नाम से जाना जाती है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। मेघना नाम से गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है, जो कंबाइंड स्ट्रीम है, उसको जाना जाता है। व्हाट मेक्स इंडिया द सुंदरबंस डेल्टा रिवर, भारत की कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो याद रखिएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर सुंदरबन डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सांगपो रिवर्स एंटर्स इंडिया थ्रू विच स्टेट, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश वह राज्य है जिससे होकर सांगपो नदी भारत में प्रवेश करती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तवा हुज ट्राइब्यूटरी, तवा किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा की जो है वो सहायक नदी है तवा, याद रखिएगा, नर्मदा नदी की सहायक नदी है तवा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, विच रिवर ऑफ बिहार मॉर्निंग कॉल्ड, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक एग्जाम में, तो याद रखिएगा, कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। ऐसे हमने और भी क्वेश्चन लिए हैं जिसको डिफरेंट राज्य का शोक कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखिए उसी तरीके का है, विच रिवर ऑफ बंगाल ब्रीमेट इज कॉल्ड, कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? तो दामोदर नदी को, जैसे कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, उसी तरीके से दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, विच रिवर फ्लोज थ्रू फॉल्ट डोनी, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी का ये प्रश्न है, नर्मदा नदी जो है वो द्रोणी भ्रंश से होकर बहती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, दसवां प्रश्न है, द गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस्ड ए नेशनल स्टेटस टू विच रिवर इज, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, गंगा। गंगा नदी को केंद्र सरकार ने हाल फिलहाल में राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखिए दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो नदी से रिलेटेड है, नेशनल पार्क से रिलेटेड है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हर बार एक क्वेश्चन आपको पूछने को मिल ही जाता है हर परीक्षा में। तो ऐसा ही एक वीडियो है, मैंने राष्ट्रपति के जितने भी उनकी शक्तियाँ, उनके अधिकार और उनके चुनाव से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो एक वीडियो में फ्रेम करें, आई बटन पर आपको मिल जाएगा, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है, तो आप उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगर पेनिसुलर इंडिया की बात की जाएगी तो गोदावरी सबसे बड़ी नदी है। और भी पैरामीटर हो सकते हैं, जैसे कि अगले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द फ्लो विच इज द इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर, अगर बात कर रहे हैं हम अकॉर्डिंग टू लो फ्लो या फिर बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी, तो गंगा है, बहने के हिसाब से सबसे लंबी नदी गंगा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, वेयर द रिवर फॉल्स कावेरी, कावेरी नदी कहाँ पर गिरती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में, कावेरी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर इन द बिल्डिंग ऑफ पंजाब, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी जो है वो जो पंजाब है उसके निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, विच रिवर फ्लोज वेस्ट वर्ड एंड फॉल्स इन टू द अरेबियन सी, इस तरीके का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन शायद आपने देखा भी होगा पिछले परीक्षाओं में, बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। दोनों ही चीज़ें यहाँ पर मेंशन करनी है, तो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, फ्लोज वेस्टवर्ड एंड फॉल्स इन टू द अरेबियन सी, अरब सागर में जाकर वो गिरती है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, ये पूछा गया है बार बार, तो आप इसको याद जरूर रख लीजिएगा। विच इज अबाउट द सेम लेंथ ऑफ द टू रिवर्स, कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? तो सिंधु नदी की बात की जाए तो 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ब्रह्मपुत्र की बात की जाए तो 2900 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। दोनों लगभग बराबर लंबाई की है, तो याद रखिएगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र की लंबाई जो है वो लगभग सेम है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स विच इज,
कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कुछ सालों पहले की बात है कि कावेरी जल विवाद बहुत ही उग्र रूप ले चुका था, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि कावेरी जल विवाद जो है वो कर्नाटक और तमिलनाडु दो राज्यों से जुड़ा हुआ है। इन राज्यों से ही कावेरी जल विवाद का शुरुआत हुई थी। द लार्जर ऑफ विच रिवर गंगा इज नोन, किस नदी को वृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? लार्जर ऑफ विच रिवर गंगा इज नोन, तो गोदावरी को वृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा वृहद गंगा मतलब गोदावरी। विच रिवर इज नोन टू चेंज देयर वे, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए कोसी, एक बार फिर कोसी नदी जो है वो अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है, नोन टू चेंज देयर वे। आपको दोबारा याद दिला दूं, बिहार की जो शोक है उसको कोसी नदी को ही कहा जाता है। विच रिवर कपिल स्ट्रीम वाटरफॉल फॉर्म्स, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? कपिल जलधारा प्रपात या फिर कपिल स्ट्रीम वाटरफॉल, तो याद रखिएगा नर्मदा नदी जो है वो कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विच रिवर ऑफ उड़ीसा ब्रीवमेंट इज कॉल्ड, कौन सी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? देखिए फिर एक बार शोक वाला क्वेश्चन है, ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। बिहार, बंगाल और अब उड़ीसा की हमने ये बात कर ली है शोक से रिलेटेड। अगला प्रश्न है, व्हाट आर द ट्राइब्यूटरी ऑफ द गंगा वैन एंड गंगा पेन, वैन गंगा और पेन गंगा किसकी सहायक नदी है? याद रखिएगा गोदावरी की। लोग इससे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि गंगा की सहायक नदी होंगी, ऑप्शन में देखते हैं, लगा देते हैं गंगा, पर गोदावरी की ये सहायक नदियां हैं, याद रखिएगा। इंडो ब्रह्मा व्हाट इज, इंडो ब्रह्मा क्या है? तो ये एक पौराणिक या कहा जाए तो माइथोलॉजिकल रिवर है। तो याद रखिएगा इंडो ब्रह्मा से अगर पूछा जाए तो ये एक माइथोलॉजिकल या फिर पौराणिक नदी है। ऑन विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? तो बात करते हैं तो इसकी गंगा है। बोगीबिल ब्रिज का भी नाम आ सकता है, तो आप उससे जुड़ी हुई भी चीज़ को याद रखिएगा क्योंकि करंट अफेयर्स में वो आ सकता है, हाल फिलहाल का टॉपिक है। व्हाट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर्स आईलैंड मजुली कुक्स, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मजुली बनाती है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्मपुत्र नदी है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आईलैंड मजुली का निर्माण करती है। ये भी पूछा जा सकता है कि मजुली का निर्माण या फिर ब्रह्मपुत्र से कौन सी लार्जेस्ट आइलैंड जो है उसका निर्माण होता है, तो याद रखिएगा मजुली और ब्रह्मपुत्र का संयोग है। मोस्ट ऑफ द नर्मदा रिवर फ्लोज इन इंडियन स्टेट्स, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो मध्य प्रदेश से बहता है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश से ही ज़्यादातर नर्मदा नदी होकर निकलती है। हुज रिजाइम हैज़ प्लान्स टू एड रिवर्स प्रस्तावित, नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई थी? तो राजग सरकार, एनडीए गवर्नमेंट जो है, बीजेपी की जो गवर्नमेंट है हाल फिलहाल में, उसके शासनकाल में ही बात की जाए तो ये प्रस्तावित हुआ था कि नदियों को जोड़ना है, तो राजग सरकार में ये रिजाइम फॉर्म हुआ था। विच रिवर फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया। ताप्ती नदी जो है वो रिफ्ट घाटी, याद रखिएगा रिफ्ट वैली से होकर बहती है, इस तरीके का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन विच रिवर वाटर एग्रीमेंट, कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? तो सिंधु नदी पर भारत और पाकिस्तान का वाटर एग्रीमेंट हुआ है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि करंट अफेयर्स में भी है, इस पर बहुत सारे बयान आए हैं, बहुत सारी पॉलिटिक्स जो है इस पर चल रही है। इसके अलावा दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय उद्यान या फिर नेशनल पार्क से जुड़े हुए भी क्वेश्चन हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये वाला नेशनल पार्क जो है किस स्टेट में है, तो मैंने स्टेट वाइज इंडिया के मैप पे ट्रिक के साथ सारे राष्ट्रीय उद्यानों को एक वीडियो के माध्यम से बनाया, आप आई बटन पर देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, क्योंकि उससे भी एक क्वेश्चन आना निश्चित है। अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द सीक्वेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑफ द पेनिसुलर रिवर्स, प्रायद्वीपीय नदियों की बात की जाए तो उत्तर से दक्षिण की ओर का क्रम क्या है? तो आप मैप पे भी इसको देख सकते हैं, सबसे ऊपर मैंने मैप में आपको दिखाया था। तो इसका जो क्रम है वो है महानदी, नॉर्थ से बढ़ रहे हैं हम साउथ की तरफ, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगाई, इस तरीके का क्रम है प्रायद्वीपीय नदियों का जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है। तो इस तरीके से जो 30 क्वेश्चन थे नदियों से रिलेटेड भारत की वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगले वीडियो में कुछ और लेके आने वाले हैं। और दोस्तों हम करंट अफेयर्स क्योंकि बहुत ही पास है अब RRB JEE का, तो हम करंट अफेयर्स के लगभग 1500 MCQ हमने तैयार किए हैं अप्रैल, मार्च, फरवरी और जनवरी के। तो आप उससे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर दीजिए क्योंकि जो MCQ आने वाले करंट अफेयर्स के जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हम शेयर करें तो आपके पास नोटिफिकेशन उसका जरूर पहुंच जाए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत जल्द ये मंथली वन लाइनर्स जो है या MCQ जो है वो आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।